यहाँ पे ये पूरा बना रहे हैं। अच्छा, और ये सब पुराना स्ट्रक्चर अभी है जो अपने पास खड़ा हुआ, और यहाँ पे एक एमपीएल का प्रोविजन है। तो इसको भी बनाओगे फिर? ये सर अभी तो नहीं है फिलहाल इस प्रोविजन में, नेक्स्ट अगर फेज में जो रिक्वायरमेंट अगर होगी तो बनाया जा सकता है। 100 इक्विवेलेंट बना रहे हो? हाँ सर, 100 इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट है, जिसमें एक्चुअली सर टोटल ग्राउंड फ्लोर पर 22 हैं, तो 22 × 4 मतलब 88 हो गए, बाकी एक 12 के इक्विवेलेंट एमपी हाल हो गया। तो इसके पीछे मतलब ये क्या है? ये सर ना इसका ये तो रैंक है, आपने ऐसे बनाया ना, ऐसे करके इधर एक मिनट दिखाना जो आप जो दिखा रहे थे। आपने रैंप क्यों बनाया? वैसे पहले से सर प्रोविजन में था सर, बाकी एरिया में रैंप हमने हटा दिया ऐसे। अरे यार रैंप से बेटर क्या होता है, अगर जाना हो ना एक लिफ्ट लगा दो, उसको लॉक लगा दो। कर रहे हैं सर, बाद में लिफ्ट की प्रोग्रेस होगा सर, एक लिफ्ट वहाँ से घुसे ना, ये एम पी हॉल आ गया यहाँ पे, ये रैंप है यहाँ पे। अच्छा, ये सारा नया है, ये पुराना है? ये सब पुराना है, ये पुराना है। ग्राउंड है सर, ग्राउंड का इन्होंने पूरा ये कर दिया, ग्राउंड एज सच कम निकल पा रहा है। ये देखो यही है, ये क्या बनाया? नहीं नहीं, वो तो टो वॉल हटा दो, इसको नीचे कर दो बिल्कुल। कर रहे हैं सर नीचे, इसलिए पेड़ पहले थोड़ा ऊपर था लेकिन अभी नीचे इसको कर रहे हैं। अच्छा, ये ऊंचा ऊंचा था, टीला था यहाँ पे, कोई बात नहीं। नहीं सर, ये पेड़ जैसे थे बट यहाँ पे थोड़ा पहले पुराना था ना सर, वो तो उसकी उतनी वही होगी ना। तो ये कब बनी है? अभी बनी। इसको नीचे करना पड़ेगा, इसको नीचे करो। अरे मलिक साहब, मैंने आपको बोला था ना, देखो क्या करो जी सर, ये देखो पूरा स्कूल जितना हो गया अभी तक, इसमें थोड़ा सा लैंडस्केपिंग का हद लगा लोगे तो शानदार लगने लगेगा। टोवल स्टैंडर्ड डिजाइन बना देगा, टोवल ऐसे बनानी है जी, इसको घास ऐसे लगानी है, पौधे लगाने हैं, तो ये देखो इतने जो बीच के पेड़ है ना, ये सुंदरता 10 गुना कर देंगे सर। सर तो बात हो गई सर, वो आउट स्टेशन है सर, ये नया स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये वैसे मैं ना ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कौन है, यही एक्सन वगैरह कौन है? आप हैं? ये तो आप आते हैं साइड पे? ये पाइप का क्या सोल्यूशन था? इसका सोल्यूशन सर ये रेंट की वजह से हुआ है सर। अरे यार तुमने कोशिश क्यों नहीं करी, इसको अंदर से उतार लेते, छेद करते अंदर से उतर जाता सारा, पता ही नहीं लगता तुम्हारे को। इसको बाहर से तुमने बजर पट्टू खड़ा कर दिया ये, और दूसरा जब रैम बना रहे थे तभी निकाल लेते पाइप से, बीम में से। सर एक बीच में कॉलम की क्या दिक्कत है? एक कॉलम में से नहीं, मैं कह रहा बीम के अंदर से कॉलम की जस्ट बाद निकाल लेते। आप सब लोगों से मेरी शिकायत यही है कि इंजीनियर शुड टेक केयर ऑफ दिस, आपके जेई से लेके और चीफ इंजीनियर तक सबको दिखाना चाहिए कि हम इंजीनियर हैं। अभी भी देखो इसके अंदर, सुनो इधर आओ, इस कोने से यहाँ से कोने छेद करो, पाइप यहाँ से उतार लो सीधा, उसको कवर कर लेना। अभी तो चेंज कर देंगे सर, मतलब मुझे लगता है ये बेटर लोकेशन है, वहाँ पे क्यों भारत लगा के उसको कवर करने के चक्कर में पड़ा। अब ये जो आप लगा रहे हो जैसे वहाँ, ये देखो पैच क्या लगाए वो एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट है ये भी, और इधर देखो इधर आपने लाइट कलर वाला लगाया, उधर डार्क कलर वाला लगाया, जबकि एक्सपेंशन जॉइंट आपको ना ये लाइट कलर वाला करना चाहिए था, जो टाइल लाइट वाली है, मैचिंग कलर लगाना वो आपको। आप मैचिंग क्यों नहीं लगवा रहे हो? क्यों भैया, जे यही कौन, आप यही कहाँ गए? आप कहाँ गए? यही जे ही कौन है यहाँ पे? आप लोग आते हो या देखने? ये सही है आपके हिसाब से? क्यों मलिक साहब, नहीं सर इनको समझाओ कि क्या काम है इनका, इनका काम यहाँ पे फील्ड में आके ये तो देखना है कि इस तरह की मिसमैचिंग ना हो, दोनों तरफ उजला है तो उजला होना चाहिए। आप लोगों की ना दोबारा से क्लास लगानी पड़ेगी। कितने मीटर पे लगाते हैं एक्सपेंशन जॉइंट बताना? नॉर्मली 40 मीटर के आसपास, 45 होता है नॉर्मली, और आजकल 45 नहीं होता, 60 भी ले जाते हैं। हाँ 60 तक भी ले जा सकते हैं, अगर ले जा सकते हैं। अगर मैं तुम्हारे से कहता ये बिल्डिंग बना दो जी, तो इसमें एक्सपेंशन जॉइंट देते क्या? नहीं कोई जरूरी नहीं होगा फिर। आपने यहाँ भी, आपने यहाँ भी दे रखा है, आपने यहाँ भी दे रखा है, आपने फिर इधर भी दे रखा है, ये देखते हो लेते जहाँ जरूर। बन गया काफी ना? हम यहाँ हमारा प्रोजेक्शन लेना ही बाकी है। अजय बताइए अभी कहाँ इंजीनियर साहब हैं? ये क्या किया जी? सर लैब का निकालना था ड्रेनेज, उसको कवर कर देंगे ऊपर लैब। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, टाइलें लगने से पहले नहीं पता था क्या?
करना उसमें। एक लैब वो मेरी गलती है जो भी है। चलो उसके बाद अगला पाइप देखो, वो क्या लगाया यार, ये चीज़ नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। इसको सर कवर कराएंगे, अभी ठीक करेंगे। आप ना मतलब काम करने के बाद ये मत दिखा देना कि पुरानी बिल्डिंग है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो पाइप है सर, इसको भी कवर कर दीजिए, हर जगह पाइप दिख रहा है। ये देखो अरे, ये तो कवर करेंगे सर, दिख रहा तो आपको वहाँ पे वो ना कलर वाला, वही कवर करेंगे, वो हटवा देंगे वो साइड में। अरे बताओ, ये पाइप टायर लगाने के बाद याद आया, पहले आ गए थे यार? नहीं एक्चुअली सर, ये तो पहले आ गए थे, लेकिन ये है कि उसको कवर कराने का है। तो फिर टाइल क्यों लगाई थी पहले? कवर पाइप नहीं दिखेगा सर, वो तो कवर कर रहे हैं सर। एक लोग अपने घरों में नहीं लगवाते इस तरह से। अच्छा मतलब छत पे क्या किया आप लोगों ने? सर एक वाटर प्रूफिंग किया, प्रॉब्लम छत पे चलते वाटर लेवलिंग नहीं बिल्कुल। नहीं कितना लेते हैं? या तो 40 mm होना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 मंजिल की बिल्डिंग है। हाँ ये जो है 150 का है, 600 mm 50 mm होना चाहिए। इतना सर हाफ में रखे करोगे या नहीं? इसमें क्या करो, जो जिस लैब में फर्नीचर लगे वो तो ठीक है, ऊपर एक तो लाइब्रेरी ले सकते हो, स्टाफ रूम ले सकते हो, एक्स्ट्रा लैब ले सकते हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम ले लो जी। हाँ वो सकते कि भाई चलो एक हॉल दे दिया। एक सर बाउंड्री वॉल टूटी हुई है यहाँ की, सर बाउंड्री वॉल का ये कह रहा है लुक ना खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, उधर बनाओगे तो लुक खराब हो जाएगी, इधर तो पहले से टच कर देंगे। हाँ बाउंड्री वॉल है, सोसाइटी के बीच में बच्चों को तो फिर भी यहाँ से आना है। यहाँ नहीं ना रोड है? नहीं रोड है ना, ये जो है सोसाइटी की ये रोड है, ये रोड जा रही है। अच्छा रोड यहाँ तक, रोड यहाँ से बाहर एक्चुअली यहाँ से घूम रही है। यहाँ रोड नहीं है, रोड यहाँ तक ही है, यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ से आगे से चली गई। ये तो कितनी शानदार चीज़ बनेगी ना, 3-4 बैडमिंटन कोर्ट, फ्लोर टेनिस, स्विमिंग पूल सब बना देंगे हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ और बना दो मलिक साहब, इधर बन जाएगा यहाँ पे ऐसे जितना चाहिए। जो आपके वो पुराने हट है ना, तो उनको भी मतलब इसी तरह का डिजाइन टाइप वाला ही है, सी टाइप ही बन जाएगा। जितनी बड़ी बिल्डिंग ये है, इसमें तो प्रिंसिपल रूम अलग से नहीं बनेंगे सर? नहीं, इसलिए खाली क्लासरूम बनेंगे सारे। ये इसके रूम तो शिफ्ट कर दो इधर जी सर, ठीक है समझ गए, आपका सेंक्शन का झंझट नहीं है। ठीक है सर, हैं ठीक है सर, और आप इसका नया प्लान बना लो। ठीक है सर, ठीक है। जितनी बड़ी बिल्डिंग ये है, इसमें तो प्रिंसिपल रूम अलग से नहीं बनेंगे सर? नहीं, खाली क्लासरूम बनेंगे सारे। इसके रूम तो शिफ्ट कर दो इधर समझ गए, आपका सेंक्शन का झंझट नहीं है। ठीक है सर, हैं ठीक है सर, और आप इसका नया प्लान बनाओ। ठीक है सर, साइज नहीं बढ़ पाया फर्नीचर का, साइज नहीं इतना कर दिया छोटा, तो पाया रहे जीते वो नॉर्मली तो एक लेगा। अगर ये इसी स्कूल में देखा है और तो सब में सर ये स्टैंडर्ड है। वो बंद फायर करते अगर धक्का मारना पड़े ना बाहर खुल जाए। पर एक अंदाजा सर इससे कि देखिए जस्ट कितनी जस्ट सर 24 पूरा फिर घुसते तो ब्लॉक, हाँ लास्ट हो जाएगा ना, वो तो बंद रहेगा इसलिए तो रखा गया कि वो बंद रहेगा दरवाज़ा, लेकिन खोलना बाहर खुल जाए। दरवाज़ा बंद रहेगा तो किराया वो सब जगह देख रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड चल रहा है कि वाइस प्रिंसिपल का अपना अलग कमरा होने लगेगा, ये नए कमरे बनने के। कितना बड़ा है? 2 एकड़। 2 एकड़ काफ़ी ज़मीन है, बढ़िया ऐसा ही बढ़िया चलेगा। इसके ये तो मैं कह रहा हूँ बनाऊंगा पीछे, ये टूट जाएगा आपका, ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, क्योंकि ऑडिटोरियम नहीं बन सकता आपका छोटा सा मल्टीपर्पज़ हॉल। हाँ बना लो एमपी हॉल एग्जिस्टिंग तीन रूम का बन सकते हैं। ये तो बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा, यहाँ तो यहाँ बना लो ना बड़ा सा। सर एक्चुअली ना विड्थ तो थोड़ी कम है पीछे वाली बिल्डिंग की ना, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम तक तो बन जाएगा, एमपी हॉल के लिए विड्थ थोड़ा सा कम है। पैसे वगैरह खत्म कर दें सारे, और रैंप खत्म हो जाएगी, रैंप भी बनाई है उन्होंने, 5 और 3 8 और 6 15 मीटर विड्थ मिल जाएगी आपको। 18 चाहिए मल्टीपर्पज़ हॉल निकल आएगा। ये बिल्डिंग हटा दो, ठीक एमपी हट गई, ये इसकी जगह ये इस बिल्डिंग के ठीक पीछे एमपी हॉल होगा। अरे ऐसा नहीं, बात सुनो ये पैसेज जा रहा है ना, ये पैसेज गया इस पैसेज से यहाँ तक, अभी तो देखो सुनो बना खाते ना, अभी बना तो यहाँ तक, यहाँ तक नहीं बना सकते हो, यहाँ बना के लिफ्ट बना दो भाई, ये तो बनाना ही है आपको, तो लिफ्ट का यहाँ आपने यहाँ तक बनाया है, यहाँ लिफ्ट का अरेंजमेंट लेके कमरा साफ कर देंगे ना, मैं कह रहा हूँ कमरा बच जाएगा आपका। नहीं सर ये पैसे जो है ना, ये पैसे आगे
Gracias.